हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा बुखार में अगर भूख ना लगे तो क्या करना चाहिए। देखिए, बुखार में भूख कम हो जाता है तो खाने का कुछ भी मन नहीं करता है, लेकिन फिर भी आपको थोड़ा बहुत खाना जरूर खाना चाहिए, ज़बरदस्ती खाना चाहिए। अगर आप ठोस खाना नहीं खा सकते हैं तो खिचड़ी खा लीजिए। खिचड़ी में ज़्यादा से ज़्यादा दाल मिलाइए, ताकि अगर आप कम भी खिचड़ी खाएँ तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा विटामिन मिल पाए, क्योंकि दाल में काफ़ी ज़्यादा मात्रा में प्रोटीन्स और विटामिन्स होते हैं। तो अगर आप खिचड़ी खाते हैं तो अगर थोड़ा सा भी आप खा पाएंगे ज़बरदस्ती, तो भी आपको भरपूर मात्रा में विटामिन्स जो है वो मिल जाएगा और आपके अंदर वीकनेस नहीं आएगा। इसके अलावा कोशिश कीजिए कि आप फल खरीद कर खा लीजिए। अगर महंगा फल नहीं खा सकते हैं तो जो भी सस्ता फल है उसको खा लीजिए, जैसे कि केला खा लीजिए। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि कीवी खाओ, कीवी काफ़ी महंगा होता है, सबका बस का नहीं है। तो कीवी से अच्छा है, अगर आपके पास पैसा नहीं है, बजट कम है, तो आप केला खा लीजिए, ये सबसे बेस्ट होगा। बुखार में आप केला खा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगर बुखार में आपको खांसी आ रहा है तब आपको केला नहीं खाना चाहिए, लेकिन अगर खांसी नहीं है, सिर्फ बुखार है, तो आप केला खा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। लेकिन सुबह और शाम को मत खाइए, केला सिर्फ दोपहर के टाइम में ही आपको खाना है। और खाना जो है उसको ज़बरदस्ती थोड़ा थोड़ा खाने की कोशिश कीजिए, क्योंकि आपको एंटीबायोटिक दवा भी खाना होता है। तो अगर आप जब आपके पेट में खाना रहेगा तभी एंटीबायोटिक दवा जो है वो अच्छे से काम करेगा। अगर आप खाना अच्छे से नहीं खाते हैं और दवा खाते हैं तो वो इतना अच्छे से काम नहीं करता है। तो खाना ज़बरदस्ती थोड़ा सा खाइए, उसके बाद दवा खाइए, तो आपका जल्दी बुखार उतर जाएगा। उम्मीद करता हूँ वीडियो आप लोग को पसंद आया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। उम्मीद करता हूँ वीडियो आप लोग को पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और जानकारी चाहिए तो आप इन सब वीडियो को भी देख लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में।